तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार भविष्य सफल नहीं रहा है, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक पर चिंता नहीं करे के छे, हाथी चले बाजार आ जकरा भूखे के भूखा दियो चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। इस वक्त मेरे साथ है परिवहन मंत्री शीला मंडल जी, जो फुलपरास से आती है। मैम, एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जो काम करने वाला लोग हो छे ने, जे काम करे छे तेकरा लोग एनाहिते क्रिटिसाइज करे छे, तेक पर चिंता नहीं करे के छे। हाथी चले बाजार आ जकरा भूखे के भूखा दियो चल दियो, नीतीश कुमार जिंदाबाद करो चल। तो ये देखिए, मुखरता से अपनी बातों को रख रही थी, कह रही थी कि नीतीश कुमार ये जो गांव में सभी पिछड़ा सामान्य सभी वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक मुस्लिम और अनुसूचित जनजाति जनजाति सभी के लिए, उसमें 7 लोगों को और 5 लाख तक की राशि सरकार के द्वारा छूट दी गई है। उसके तहत आप 3600 बस आया हुआ है, तो जो लोग अप्लाई करेंगे वो बस का मालिक बन सकते हैं, उससे उनका रोजगार सृजन होगा और कई परिवार का समझिए भरण पोषण भी अच्छे से हो सकता है। नहीं, ये शुरू है ऑलरेडी, कई जगह कई जिला में इसका कई लोगों ने अप्लाई भी किया है। हम लोग अभी हाल ही में मीटिंग किए थे, उसमें हम लोगों ने 2 आदमी को चाबी भी दिया है, उसमें बसों की चाबी दी है। देखिए, आपने कहा कि पार्टी से भले लोग जुड़ जाता है बहुत लोग, लेकिन आपने किसका नाम लिया है उस बात से भी आप अवगत है, समझते ही हैं। तो जो उस तरह की बात है तो उस पर कार्रवाई होगा, एक्शन होगा। देखिए कि आपको बता दें कि हमारे पार्टी में ऑलरेडी हम लोग के यहाँ लोग अपने आप जुड़ते हैं, हम लोग भी गांव घर जाते हैं तो सब लोग, जब मुख्यमंत्री जी की बात होती है आप गाँव में चले जाइए, जो शराबबंदी की बात हो, शिक्षा लड़की शिक्षा की बात हो, लड़की उत्थान की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, तो सभी जगह आज माननीय मुख्यमंत्री जी पे लोग बहुत विश्वास करते हैं और सब लोग आज भी उनके प्रति बहुत समर्पण है। देखिए, वो हर आदमी पार्टी में सबको अपने अधिकार से अपने तरीके से करने का अधिकार है, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग देखिए रिजल्ट को कि क्या परिणाम हुआ। बिहार की जनता हमारे नेता के पक्ष में है और हमेशा निरंतर ही रहेगा। बिहार ही क्यों, आज देश की जनता का दूर केंद्र बिंदु हमारे नेता है। आप देखिए तो स्वाभाविक है ना जी, हम लोग कहाँ जा पाते हैं विदेश, हम लोग तो भारतों में नहीं घूम पा रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं तो अपना उनका भाई अपना मामला है, कैसे जाते हैं क्या जाते हैं आप ही ना बताइएगा। की बात करते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एक सीमा में बांधना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये इसमें कोई जाति वाति की बात नहीं है कि क्राइम तो कोई जाति का होता है कि वो तो जो क्राइम करने वाला हो तो वो सबके लिए गलत है, उसमें जाति को मानना उचित नहीं है। और निरंतर हमारी सरकार में चाहे कोई भी हो, दलित हो महादलित हो, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो हमेशा सबके लिए काम करते हैं, वो उनका सिद्धांत ही है न्याय के साथ विकास करना। तो जो लोग इस तरह का काम किया है वो पकड़ा भी जाएगा। देखिए, वो क्या बोलेंगे ये तो बताइए, वो तो जब गाँव गए ही नहीं, जन्म लिए शहर में तो क्या जानेंगे, हम लोग ना गाँव के बारे में जानते हैं। मधुबनी से हम कल भी आए हैं और हमारा जो पहले का गांव था, जो एगो सड़क नहीं दिखता था, सड़क लगता था खेत में चल रहे, एनएच भी नहीं था, और उनको ये सब बात नहीं याद है। ये सब भी तो याद करना चाहिए कि पहले की स्थिति अब बेटर हो गया है, तो आप लोग को कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे। तो भाई कुछ भी बोलना है तो चलो कुछ भी TRP तो बढ़ाना ही है ना, तो इसीलिए लगे रहते हैं। ये कोई कितना कुछ करेगा, कितना भी शोर गल्ला करेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है, किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। क्षणिक भर के लिए TRP CRP जो बढ़ना है तनी मनी बढ़ जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पूरे बिहार की जनता हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति, आज भी उनके प्रति बहुत लोगों में श्रद्धा और विश्वास है। हम लोग भी जहां जाते हैं उनका नाम से ही सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं, और सबको पता है, आम जनता गरीब लोग को पता है भाई कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी जो हमारे विकल्प है और